हेलो एवरीवन, और आज हम जाने वाले हैं वैष्णो देवी मंदिर, और आपको व्लॉग में बहुत ही मजा आने वाला है, इसीलिए व्लॉग को एंड तक देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, हम वैष्णो देवी मंदिर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर बाहर प्रसाद की बहुत सारी दुकानें हैं, आपको दिख ही रही होगी। और अभी जो है हम अंदर जाने वाले हैं। और गाइज ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये शेर बना हुआ है यहाँ पर ऊपर, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। और अभी हम बस थोड़ी देर में अंदर चले जाएंगे, तब तक आप बाहर का देखिए। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं अंदर, और अंदर हम जाकर देखते हैं क्या है अंदर। यहाँ पे तो जो है बैठने की सुविधाएं हैं, और ये देखिए यहाँ पर जो है शंकर जी का फोटो लगा हुआ है, और यहाँ पर हर जगह माँ वैष्णो देवी और जय माता दी लिखा हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पे अभी जूते उतारते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये हाथ पैर धोने का है, पहले हाथ पैर धोना है और उसके बाद ही हम आगे जा सकते हैं। तो चलिए हम हाथ पैर धो लेते हैं पहले। और गाइज ये है मंदिर का प्रवेश द्वार, और यहाँ से जो है हमको आगे जाना है। पेड़ पे लाइट लगी हुई है जो कि बहुत अच्छी दिख रही है, और इधर दुकान है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे बाहर। लेकिन अब हम जो है अंदर आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर गाय की मूर्ति बनाई हुई है जो कि बहुत अच्छी दिख रही है, बछड़ा गाय का दूध पीता हुआ बताया गया है। और अभी हम अंदर चलते हैं। चलो चलो जल्दी चलो फटाफट। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गुफा टाइप का है, यहाँ पे बहुत मतलब ये लंबा हमको जाना है चल के इस गुफा में से, और फिर आएगा मंदिर। तो देखते हैं हमको कितना लंबा चलना है, मुझे भी नहीं मालूम अभी कि कितना लंबा चलना है। प्रेम से बोलो जय माता दी लिखा हुआ है यहाँ पर, और लाइट्स लगी हुई है गुफा में। अब इसी गुफा से हमको जाना है, और बीच बीच में जो भी आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि ये शेर आया है बीच में, मतलब शेर बना हुआ है यहाँ पर, और जय माता दी तो हर जगह लिखा ही हुआ है, शेर बना हुआ है। और ये देखिए लाइट्स भी लगी हुई है पूरी गुफा में। ये हम अभी नीचे उतर के आ चुके हैं, और देखते हैं हम अभी हमको क्या दिखता है। ये देखिए यहाँ पर एक मंदिर है। क्या हो रहा है अंदर, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, पानी गिरने से आवाज़ आ रही है। देखो शायद यहाँ से कुछ दिख सके, कुछ तो दिख रहा है यहाँ से। प्रेम से बोलो जय माता दी। तो गाइज हम यहाँ पे मंदिर में पहुंच चुके हैं, और ये देखिए यहाँ की जो सजावट है अंदर की, वो आप देख सकते हैं, झरना बह रहा है, और भी बहुत सुंदर तरीके से जो है यहाँ पे इसको सजाया गया है। बहुत जोर से बोल दिया मैं, यहाँ पे मंदिर में शोर शराबा अलाउ नहीं है। चलो हम अभी नीचे चल के मैं आपको दिखाता हूँ पूरा। वैसे भी यहाँ पे जो है कैमरा ले जाने दे रहे हैं अंदर तक, वही बहुत बड़ी बात है। तो चलिए गाइज हम दर्शन करते हैं फटाफट। ये देखिए गाइज यहाँ पर शंकर जी की पिंडी है, और पीछे मूर्ति है शंकर पार्वती की, और यहाँ पर जो है नंदी है आप देख सकते हैं, और पीछे लिखा हुआ है प्रेम से बोलो जय माता दी। और ये देखिए आप यहाँ पे शेषनाग, मतलब शंकर जी के पीछे शेषनाग भी है, और ये झरना है यहाँ पर, यहाँ पर माता की मूर्ति है। ये देखिए ये नंदी है यहाँ पर। तो गाइज अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए गाइज यहाँ पे पंखा वगैरह सब कुछ है, और यहाँ पे अर्धकुमारी गुफा जाने का रास्ता लिखा हुआ है। तो अभी हम जा रहे हैं अर्धकुमारी गुफा, और उसके बाद फिर हम जाएंगे घर। तो अभी चलते हैं हम अर्धकुमारी गुफा, और यहाँ पे जो है ये फोटो ले रहे हैं। एक हाथ में मोबाइल है, ले 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 वीडियो ले वीडियो ले, आगे चला ले रे, कैमरे की लाइट। ये देखिए गाइज यहाँ पे जो है ये बहुत उबड़ खाबड़ है रास्ता, सीढ़ियाँ जो है उबड़ खाबड़ है, और ये यहाँ पे जो है फोटो लेने के लिए बैठे हुए हैं, और अभी मेरे को बुला रहे हैं फोटो लेने के लिए। चलो मैं भी बैठ जाता हूँ, फोटो में जो भी लूँगा फोटो यहाँ पे वो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, तो मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे। और यहाँ पे जो है ये रास्ता है, यहाँ से हमको बाहर जाना है। चलो जल्दी फटाफट चलो, इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हाँ शांति मिली, मस्त। और गाइज ये है ना यहाँ पे से जो है मेरे को लग रहा है स्लोप है, और ये घिसक पट्टी जैसा जाने की जो प्लानिंग कर रहे हैं। जमीन आई गई। तो गाइज ये देखिए कीजिए आप भी दर्शन, ये यहाँ पे हम आ गए हैं नीचे मंदिर में, बस हम यहाँ से बाहर निकलने वाले, ये बाहर जाने का ही रास्ता है। और ये देखिए यहाँ पे घर में लोग भी रहते हैं, खिड़की थी ये मंदिर की, खिड़की है, खिड़की के उस साइड लोग रहते हैं, और ये भैरव बाबा का यहाँ पे जो है मंदिर है, और यहाँ से जो है अब हम बाहर जाएंगे। तो चलिए मैं अब जो है रास्ता थोड़ा सा खाली होने दीजिए, और फिर मैं चलता हूँ बाहर की ओर। ये फोटोग्राफी कर रहे हैं सब, इनको पूरा हो जाने दीजिए फिर निकलते हैं। चलिए ये जाने लगे हैं, और अब हम भी निकलते हैं फटाफट। बाकी सब जो मेरे साथ आए थे वो तो निकल गए, इंतजार कर रहे होंगे बाहर, मैं भी फटाफट निकलता हूँ यहाँ से।
बाप रे बहुत ज्यादा स्लोप है मेरी, हाँ देखो बहुत ज्यादा स्लोप है। थोड़ा सा प्लेन आया, अभी तक स्लोप ही स्लोप था, थोड़ा सा प्लेन आ गया। हाय अब प्लेन आया, फाइनली प्लेन आया है, लेकिन ऊपर तो खड़े हो सकते हैं, आराम से खड़े हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं शायद। सामने देखिए, ये देखिए प्लेन सीढ़ी आ गई है। तो गाइस यहाँ से हमने जो है प्रसाद ले लिया है और अब हम चलते आगे की ओर। और फाइनली बाहर आ गए भैया। हाय तुम कब आ गए भैया यहाँ इतनी जल्दी आ गए।